हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जिसके अंदर आपका आता है ORS, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स या फिर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। यह टॉपिक है GNM नर्सिंग एंड BSc नर्सिंग दोनों स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट के लिए। इससे रिगार्डिंग आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है उसके बारे में लिखो, इसके पर्पस लिखो एंड इसके अंदर इक्विपमेंट क्या होते हैं बनाने के लिए। तो इस तरीके से आपके क्या क्वेश्चंस बन सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज द गिविंग ऑफ फ्लूइड बाय माउथ, यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, माउथ के थ्रू क्या है फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट एंड करेक्ट द डिहाइड्रेशन डेट इज रिजल्ट फॉर डायरिया। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट अब देखेंगे पर्पस, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्पस। सेकेंड वन, टू प्रिवेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी ड्यू टू अक्यूट डायरियल डिजीज। अक्यूट डायरियल डिजीज की वजह से मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी क्या है बढ़ती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गया इसका सेकेंड पर्पस। तो इस तरीके से हमारे क्या है दो पर्पस हो गए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के। नेक्स्ट वन है द फॉर्मूला ऑफ ORS। ORS का फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला ऑफ ORS रिकमेंडेड बाय WHO एंड यूनिसेफ, 2.6 ग्राम पर लीटर सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट वन 2.9 ग्राम पर लीटर ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट वन 1.5 ग्राम पर लीटर पोटेशियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट वन 13.5 ग्राम प्रति लीटर ग्लूकोज होता है। तो ये कंटेन होता है ORS सॉल्यूशन के अंदर या फिर कह सकते हैं ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। तो टोटल इसका वेट हो जाएगा 20.5 ग्राम पर लीटर। इसको 1 लीटर पानी में क्या है डिसोल्व करना होता है। तो ये था इसका फॉर्मूला ORS का। नेक्स्ट अब बात करेंगे इक्विपमेंट नीडेड, इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले होता है टेक 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड ड्रिंक वाटर, यानी कि 1 लीटर बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर लेंगे। नेक्स्ट वन क्लीन ग्लास ऑफ 200 ml कैपेसिटी, अ क्लीन वेसल टू मिक्स द सॉल्यूशन, एक क्लीन वेसल लेंगे जिसके अंदर मिक्स करेंगे सॉल्यूशन को। नेक्स्ट वन अ क्लीन स्पून टू मिक्स द सॉल्यूशन एंड फिट द चाइल्ड, और एक चम्मच लेंगे जिसको सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे पानी के अंदर और उसी स्पून से क्या है हम बच्चे को फिट कराएंगे यानी कि पिलाएंगे। तो ये इक्विपमेंट होने चाहिए। नेक्स्ट वन प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या है, वॉश हैंड, सबसे पहले हम क्या है हैंड वॉश करेंगे। नेक्स्ट वन 1 लीटर ऑफ क्लीन वाटर इंटू अ क्लीन वेसल, यानी कि एक क्लीन वेसल में क्या 1 लीटर पानी लेंगे। नेक्स्ट वन ओपन अ पैकेट ऑफ ORS, ORS पैकेट को ओपन करेंगे एंड प्योर द ऑल कंटेन इंटू द वेसल, और उस पूरे पाउडर को क्या है एक वेसल में डाल देंगे और उस 1 लीटर पानी में डाल देंगे। नेक्स्ट वन कंप्लीट डिजोल्व, और उसको कंप्लीट डिजोल्व करेंगे मिक्स करेंगे। नेक्स्ट वन टेक अ सम सॉल्यूशन इन द क्लीन ग्लास, और जो हमने 200 ml का जो ग्लास लिया था उसके अंदर हम उसको भरेंगे। नेक्स्ट वन फीड द चाइल्ड फ्रिक्वेंटली विद द स्मॉल डोज ऑफ द सॉल्यूशन, जितनी मात्रा में हमको चाइल्ड को पिलाना है उतनी मात्रा में हम उसको फ्रिक्वेंटली वाइज पिलाएंगे। तो ये हो गया इसका प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर था ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के लिए या फिर कह सकते हैं ORS थेरेपी के लिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।